खड़गपुर वर्कशॉप के मेरे प्यारे सहकर्मियों, जैसे कि आपको पता है, पूरा देश और विश्व कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहा है और इस सिलसिले में हमारे वर्कशॉप पिछले 24 मार्च से लॉकडाउन की स्थिति में था। उस दौरान कुछ लोग, हम लोग पूरा वर्कशॉप बंद होने के बावजूद कुछ लोग एसेंशियल सर्विसेज देने के लिए आते थे और काफ़ी क्रेडिटेबल काम करके दिखाए हैं। इस दौरान हमने करीब 126 आइसोलेशन कोचेस को कन्वर्ट किए हैं, पीपीई के मैन्युफैक्चर किए हैं, मास्क मैन्युफैक्चर किए हैं, सैनिटाइजर के मैन्युफैक्चर किए हैं, स्वैब कलेक्शन बूथ बनाए हैं और इस तरह कई अच्छे काम किए हैं। हमारे सीटीआरबी सेक्शन, बोगी सेक्शन, व्हील सेक्शन, ये सब भी काम करते रहे। हम लोगों ने शॉप का सफाई, स्क्रैप डिस्पोजल, ये सब काम कर किए हैं। लॉकडाउन में अच्छा काम करने के लिए मैं जो भी वॉलंटरीली आके काम करता था, बिना बुलाए आके काम करता था, उस सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ 2019-20 में भी हमारा शॉप का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। सभी शॉप ने अच्छा काम किया, कैरेज, वैगन, डीजल, इलेक्ट्रिक, प्रोडक्शन शॉप, सभी ने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिया है। उसके लिए मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ। अचानक शॉप के काम बंद हो गया लॉकडाउन के कारण, इसीलिए हम अदरवाइज हम उससे भी और आगे अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते थे। खैर, अभी करीब 40-45 दिन लॉकडाउन के बाद हमको परमिशन मिला है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से कि हम 50% स्ट्रेंथ के साथ अपना काम शुरू कर सकें, और इसलिए हम 21 मई से हमारा ऑपरेशंस को दोबारा शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग रोस्टर बनाएंगे, आप लोगों को अल्टरनेटिव डे में ऑफिस आना पड़ेगा, ड्यूटी आना पड़ेगा, वर्कशॉप में आना पड़ेगा, अपना शॉप में प्रोडक्शन देना होगा। जो लोग आएंगे उनमें से भी हम लोग शिफ्ट का बंटवारा कर दे रहे हैं ताकि एक साथ बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग बनाया जा सके। जैसे आपको पता है, कोरोना महामारी को रोकने के लिए सबसे बड़ा तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का यूज़ करना, बार बार हाथ धोना। इस रोग का संक्रमण बंद करने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों का सुरक्षा के लिए हम लोग गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से कदम उठा रहे हैं। हर गेट में फीवर स्क्रीनिंग होगा, सैनिटाइजेशन होगा, आप लोगों को अपना पर्सनल मास्क और हैंड सैनिटाइज़र हम इशू करेंगे, जिसको कि आप लोग को बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि साबुन का टिकिया खुद लेके आइए और बीच बीच में हाथ धोया करिए, जबकि हम भी प्रबंध कर रहे हैं कि आप लोगों को लिक्विड सोप इत्यादि शॉप के अंदर ही दिया जाए। अनुरोध है कि अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या फीवर या कोई भी कोरोना का अगर लक्षण आपको लगता है कि आ रहा है, आप कृपया शॉप में मत आएं और अपना सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करें और उसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाएगा। आपको किसी के साथ ड्यूटी का स्वीपिंग कर दिया जाएगा या तो आपको छुट्टी का बंदोबस्त किया जाएगा। अगर आप अच्छा फील करते हैं तब आइए। आरोग्य सेतु का आप ऐप जो है अपना मोबाइल में आप डाउनलोड करिए और उसमें अपना स्टेटस बताइए। जब आप घर में जाते हैं उस समय में भी आप अपना केयरफुल रहिए और इधर उधर लोगों से बात मत करिए या मिलिए मत, और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखने के लिए आप जितना दूर संभव है उनसे भी थोड़ा सा आइसोलेटेड कंडीशन में रहिए। इसे बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये कोरोना जो रोग है, इसमें पहले जैसे बताया जाता था उतना घातक है, वो उतना घातक नहीं है। स्पेशली जो यंग जनरेशन है वो उस रोग से काफ़ी अच्छा
टैकल कर पाते हैं। अब थोड़ा वयस्क लोगों के लिए दिक्कत है और जिनको दूसरा कोमॉर्बिडिटी जैसा शुगर है या स्ट्रोक है या तो हार्ट प्रॉब्लम है, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। मैं उस लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने के लिए कहूँगा, अगर पॉसिबल है अपन छुट्टी ले सकते हैं तो अपना छुट्टी ले लीजिए। इसके साथ ये सब सतर्कता के साथ और वर्क प्लेस में हम अपने से एक दूसरे से जितना दूर संभव है आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, 2 मीटर का दूरता रखिए। और विथ ये सब प्रिकॉशन के साथ मेरी पूरी उम्मीद है कि ईश्वर हम लोगों के साथ रहेंगे और हम लोगों को स्वस्थ रखेंगे और ये परेशानी हमको और हमारे परिवार वालों को न आए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारा अपना है। जैसे आपको पता है कि सोल्जियर जब फ्रंट में जाता है वो जानता है कुछ ना कुछ जोखिम ले रहा है, लेकिन वो देश के लिए वो जोखिम उठाता है। सिमिलरली हम लोग भी जो है अर्थनैतिक क्षेत्र में हम लोग भी एक सैनिक है, हमारे बिना देश का चक्का नहीं चल पाता है। रेलवे परिवार के एम्प्लॉय होने के नाते हमारे ऊपर देश का एक जिम्मेदारी है। हमारे अगर हम लोग नहीं मेहनत करेंगे तो रेल नहीं चलेगी, और रेल नहीं चलेगी तो देश की चक्का नहीं चलेगी। तो ये जानकर भी हम लोग थोड़ा बहुत जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन ये हमको उठाना पड़ेगा देश के खातिर, समाज के खातिर और अपने खातिर। तो मेरा यही आप लोगों को संदेश है कि हम लोग 21 तारीख को दोबारा शॉप का ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमारे पर जो जिम्मेदारी दिया गया है उसको बहुत खूब निभाते हैं और हम लोग खड़गपुर वर्कशॉप को और आगे लेते जाएंगे। धन्यवाद और जय हिंद।